नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। और दोस्तों, ये आर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्डिनो को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद में हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी अपलोड करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास आर्डिनो यूनो बोर्ड है, तो चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। तो गाइस, मैंने आर्डिनो पर एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बिगनर्स के लिए आर्डिनो यूनो अच्छा है। तो यहां मैंने आर्डिनो यूनो लिया है, और आगे के वीडियोज़ में मैं आपको दूसरे आर्डिनो बोर्ड्स के बारे में भी बताता रहूँगा। तो गाइस, इस आर्डिनो बोर्ड में इस तरफ कुछ एनालॉग इनपुट पिंस है और दूसरी तरफ कुछ डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस है। इसके अलावा इसके साथ एक यूएसबी केबल मिलेगी। अगर आप आर्डिनो यूनो परचेज करते हो तो इस यूएसबी केबल को भी परचेज करना मत भूलिए, क्योंकि इसके बिना इसमें प्रोग्राम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, इस बोर्ड में आपको प्रोग्राम अपलोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है आर्डिनो IDE। तो इसे डाउनलोड करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर पर आ गया हूँ, और यहाँ मैं आ गया हूँ arduino.cc वेबसाइट पर। ये आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइज, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर कुछ डोनेट भी कर सकते हो। तो मैं इसे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ, और कुछ ही सेकेंड में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और अब आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं, और यहां से आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। तो गाइस, यहां मैं आपको बता दूं कि ये आर्डिनो IDE का पोर्टेबल वर्जन है, और आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, आर्डिनो IDE का इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, और आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। तो गाइस, जब मैं बिना देर किए आर्डिनो बोर्ड को यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पावर LED ऑन हो गई है, और इसके अलावा ये LED एक एक सेकंड के डिले से ब्लिंक हो रही है। तो गाइस, जब आप आर्डिनो ख़रीदते हो तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम अपलोड किया रहता है, जिसके कारण ये LED एक एक सेकंड के डिले से ब्लिंक होती है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस LED के ब्लिंक की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट यही है। तो इसके लिए मैं फिर से आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में हम LED की ब्लिंक की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये एग्जाम्पल ओपन कर लिया है, और अगर आपको सी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप इस प्रोग्राम को ईजिली समझ सकते हो, और अगर आप बिल्कुल नए हो तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपको इसमें पूरा समझाने जा रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कोड नहीं है, बल्कि ये कमेंट है, जिसका मतलब है कि इसमें कोड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हम इसे डिलीट भी कर दें तो प्रोग्राम में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दरअसल इन साइन के बीच का और इस साइन के बाद का जो कंटेंट होता है वो कमेंट होता है, और अपना जो कोड है वो वॉइड सेटअप के बाद में स्टार्ट होता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको कोड में कोई चेंज नहीं करना, हम जो भी चेंज करेंगे वो वॉइड लूप के बाद में करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमने 1000 मिली सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड का डिले दिया है, तो इसे हम 100 मिली सेकेंड कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसे 100 मिली सेकेंड कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, डिजिटल राइट LED बिल्ट इन हाई लिखा है, जिसका मतलब है कि आर्डिनो बोर्ड पर जो LED है वो ऑन हो जाएगी। फिर 100 मिली सेकेंड का डिले है, जिसका मतलब है कि ये LED 100 मिली सेकेंड तक ऑन रहेगी। फिर यहाँ पर हमने लो लिखा है, जिसका मतलब है कि ये LED ऑफ हो जाएगी और 100 मिली सेकेंड तक ऑफ रहेगी। अब ये सब कुछ वर्ड लूप में लिखा है, जिसका मतलब है कि ये सब लूप की तरह चलता रहेगा और LED ऑन और ऑफ होती रहेगी। तो गाइज, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कोड में कुछ चेंजेज किए हैं, अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। तो इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं। इससे पहले हमें टूल्स में जाकर आर्डिनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में हम पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं दिखता है तो आप यूएसबी केबल को चेक कीजिए, हो सकता है कि वो सही तरीके से कनेक्टेड नहीं हो। तो गाइज, यहाँ पर हमने सारा सेटअप कर लिया है, और अब हमें कोड अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ,
और कुछ सेकंड्स के बाद ही ये कोड अपलोड हो जाएगा। और अब आप देख रहे हो कि एलईडी काफ़ी स्पीड से ब्लिंक हो रही है। तो गाइज यहाँ वर्ड सेटअप के नीचे लिखा है पिन मोड एलईडी बिल्ट इन आउटपुट, जिसका मतलब है कि आर्डिनो बोर्ड के ऊपर जो एलईडी है वो आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करेगी। लेकिन दोस्तों ये जो एलईडी है वो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम एलईडी बिल्ट इन की जगह 13 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं 13 लिख देता हूँ, और इस डिले को भी हम चेंज कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने 2 सेकंड और 3 सेकंड का डिले दे दिया है, और फिर से मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि एलईडी 2 सेकंड के लिए ऑन और 3 सेकंड के लिए ऑफ रहती है। तो दोस्तों ये आर्डिनो का सबसे सिंपल प्रोजेक्ट है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आर्डिनो से अलग अलग एलईडीज के पैटर्न कैसे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।